तो अगर आप कभी मार्केट में जाते हैं तो आपको दिखती है मार्केट में सब्जियां, भिंडे, टिंडे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी यूनिक मार्केट दिखाने वाला हूँ जो आपने ना आज तक कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। तो दिल थाम के बैठ जाइए और ध्यान से देखिए इस वीडियो को। फिलहाल मैं हूँ नागालैंड के दीमापुर डॉग मार्केट में और ये आंटी बेचने आई है अपने कुत्ते को इस मार्केट के अंदर। यकीन नहीं हुआ तो फिलहाल दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा टेंटेन आयन, आपके सामने पेश है एक फ्रेश ताज़ा तरीन कुत्ता। क्यों चौंक गए ना? तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, सांप, बिच्छू, केंचुए, छोटी मछली, बड़ी मछली और पता नहीं क्या क्या। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और मैं आपको दिखाऊंगा दीमापुर डॉग मार्केट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ अभी दीमापुर के अंदर। दीमापुर नागालैंड की मेजर सिटी है, जहाँ का नागालैंड का जो मेन एयरपोर्ट है वो भी दीमापुर के अंदर ही है और जो रेलवे स्टेशन है वो भी मेन दीमापुर ही है। और दीमापुर के अंदर एक वेडनेसडे मार्केट लगती है जिस मार्केट में आपको सब कुछ खाने के लिए चीज़ें मिलती है। और वेडनेसडे मार्केट में नागालैंड के लोग जो होते हैं, जो सड़क पर चलने वाली चीज़ें होती है ना, इंसान को छोड़ के वो सब कुछ खा जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा उस मार्केट में क्या क्या मिलता है, क्या क्या अवेलेबल है। वैसे तो आज का मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, नहीं तो सैटरडे को बहुत बड़ी मार्केट लगती है। आज बारिश की वजह से वहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो फिलहाल जो जो भी उस मार्केट में मुझे मिलेगा वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। उसमें कुत्ते, बिल्ली, चूहे और खरगोश, रैबिट, छोटे वाले, बड़े वाले चूहे और फ्राइड मेंढक, ताजे मेंढक, सब कुछ, सांप, बिच्छू, मछली, सब कुछ मिलता है। और ऐसा कुछ दीमापुर का मेन रोड है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से। तो फिलहाल चलते हैं वेडनेसडे सुपर मार्केट में। रेलवे स्टेशन से आप निकल के आएंगे तो थोड़ा सा आपको 1 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ेगी, तब आप सुपर मार्केट में पहुँच पाएंगे। और वहाँ जाके मैं आपको दिखा दूँ, ये लोग सांप तक को भी ड्राई ड्राई करके खा जाते हैं, मछली को भी ड्राई कर देते हैं, सांप को भी ड्राई कर देते हैं। तो पूरी मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो चलिए चलते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट होती है दीमापुर की सुपर मार्केट और इस मार्केट का नाम ही सुपर मार्केट है। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आपको बैम्बू से बनी हुई दिख जाएगी और ये कुछ मांस काटने की लकड़ियाँ वगैरह ये सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। और ये मेंढक तितर बितर हो रहे हैं, मेंढक भी आपको मिलेंगे। सब कुछ खाने का सामान यहाँ पर मार्केट जहाँ भी शुरू होती है तो सड़क पर मार्केट लगती है। यहाँ पर छोटे मेंढक, बड़े मेंढक, हर तरह के मेंढक आपको मिलेंगे। ये कुछ बड़े मेंढक हैं, हरे वाले, और थोड़े से आगे चलेंगे तो काले वाले मेंढक भी मिलेंगे। फिर दोबारा से पानी वाले मेंढक, सूखे मेंढक, फ्राई मेंढक, ड्राई मेंढक, सब तरह के मिलेंगे। ये कुछ पानी में बैठे मेंढक और ये कूद कूद के भागते रहते हैं। जैसे आप इनको देखेंगे तो ये बेचारे बचने की कोशिश तो करते हैं लेकिन ये बच नहीं पाते हैं। और यहाँ पर बत्तखें आ गई, मुर्गे आ गए। ये मुर्गा, एक मुर्गा 400 रुपये का मिलता है। जो 2 किलो का मुर्गा होता है बड़ा सा, वो 600 रुपये का मिलता है। ये बड़े वाला मुर्गा कम से कम 1500 रुपये का मिलेगा आपको। तो ऐसी कुछ है दीमापुर मार्केट। अभी आगे चलते हैं, देखो ड्राई मेंढक आ गए, मेंढक को मार के उसको फ्राई कर रखा है। और ये चुकंदर और ये बैम्बू का रस, बैम्बू का रस भी यहाँ पे पिया जाता है, उसकी सब्जी बनती है। और ये मधुमक्खी का छत्ता या भिड़ड़ का छत्ता, पता नहीं किसका छत्ता है, और इसके अंदर की जो चीज़ें वो शायद खाई जाती है, इसलिए इसको बेचते हैं यहाँ पर। और ये बेचारे कुत्ते फिर से यहाँ पर बैठे हैं कि इनको आएगा कोई, इनको लेके जाएगा अपने घर पर, बनाएगा और खाएगा। ये नागालैंड का कल्चर है। अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा भी बुरा लग रहा है तो बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें नागालैंड के लोग खाते हैं ऐसा ही कुछ, और बहुत से लोग चाइना में, हांगकांग वगैरह में भी ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो ये सब नॉर्मल कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है सबके। ये रैबिट भी बेचारे बैठे हुए हैं कि कोई इनको कब आएगा, कब लेके जाएगा, कब इनको खाएगा। तब तक इनको खाने के लिए सिर्फ चावल ही मिल गए हैं, तो इनके सामने चावल रखे हुए हैं, ये चावल खाएँगे और टाइम पास करेंगे अपना। और ये आ गई सूखी मछली। थोड़ी अलग अलग वेराइटी की मछलियों को अलग अलग तरह से सुखा के इनका अचार बनता है। कोई इनको फ्राई करके खाता है, कोई इनको ड्राई करके खाता है। और यहाँ पे आपको बैम्बू से बनी हुई चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये नहीं है कि सिर्फ मीट ही मिलेगा यहाँ पे, बैम्बू से बनी हुई अलग अलग चीज़ें भी यहाँ पे मिलती है। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और ये मिर्ची और लाल मिर्ची, टमाटर, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है अभी, ऐसा ऐसा कुछ है। और इस मार्केट में आपको अलग अलग तरह के मसाले भी मिलते हैं। और ये मछली भी, और किसी का कुत्ते का मीट या सुअर का मीट भी यहाँ पे मिल रहा है। और ये अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ और छोटी मछलियों का अचार डलता है,
और बड़ी मछलियाँ वैसे सुखा के खाई जाती है स्नैक्स की तरह यहाँ पे। और ये दाल चावल भी मिल रहे हैं जो लोकल नागालैंड के बने हुए दाल चावल है। तो ये आ गई मछली की रेडी। यहाँ पे मछली की अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वो रखी हुई है, अलग अलग रेट में है। 100 रुपये की किलो है जो छोटे वाली मछली है, इसका शायद अचार डाला जाता है फ्राई करके, और बड़े वाली मछली स्नैक्स की तरह खाई जाती है। और ये काला वाला देखो सांप है, इतने बड़े सांप को गोल गोल करके मार के बांध के रखा हुआ है उन्हें। और ये रेशम के कीड़े हैं शायद, ये 100 रुपये के एक डब्बा मिलता है, आधे किलो के आसपास का एक डब्बा है जो 100 रुपये में मिलता है। और ये बेचारे चूहे आ गए सफ़ेद वाले जिनको खीरा खिलाया जा रहा है, और मुर्गे भी बंधे पड़े हैं सारे, सबके पैर बांध के यहीं छोड़ रखे हैं। और ये काला वाला क्या होता है? योन चक्का रोटी। योन चक्का? हाँ। ये कितने का होता है एक डब्बा? 100 का। ये सूखा मछली है। मछलियों की बहुत वैरायटी यहाँ पे, अलग अलग, कोई सूखी मछली है, कोई लंबी पतली मोटी, सब तरह की यहाँ पे मछली है। देखो छोटी वाली हो रही उधर, और इधर ये बड़े वाली, इनका सबका अचार डाला जाता है, मछली का अचार बहुत फेमस है यहाँ पे। और ये कुछ नॉर्मल मुर्गे, और ये मार्केट, और ये है रेशम के कीड़े। रेशम के कीड़े के अंदर हड्डी नहीं होती, तो ये बहुत पसंद करके खाए जाते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि इनके अंदर हड्डी नहीं होती है। कुछ दीमापुर का सुपर मार्केट, बाहर इसमें सब्जियाँ भी बिक रही है, अंदर मीट बिकता है और बाहर सब्जियाँ बिकती हैं। रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ती है आपको, तब ये मिलता है। और यहाँ पे ये खोपरी खोपरी भी मिल रही है, जो दिखाता हूँ आपको। खोपरी भी मिल रही है, खोपरी और ये कुछ नागालैंड की रोड है। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो गई तो पूरी रोड की नदी बन गई, गाड़ियों के निकलने की जगह भी नहीं बची। और ये है होटल, कुछ हल्की सी बारिश में पानी भरा हुआ है यहाँ पर। अगर असम के सामने नागालैंड को देखे तो नागालैंड बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, लेकिन असम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। नागालैंड में अभी रोड की ज़रूरत लग रही है मुझे, और फिर भी ठीक ठाक सी सिटी है नागालैंड की, कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। दीमापुर का एयरपोर्ट भी है, नागालैंड का जो मेन एयरपोर्ट है वो दीमापुर में पड़ता है, तब इस सिटी की हालत है। देखो पानी में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, और बारिश हो रही है, बारिश में इतना पानी रोड पे भर रहा है। मेन रोड है ये, हाईवे वाली, नेशनल हाईवे वाली रोड, तब ये हालत है इसकी। तो इसलिए नागालैंड थोड़ा ज़्यादा डेवलप नहीं है असम को कंपेयर करें तो। फिलहाल मैं अभी हूँ नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से जा रहा हूँ मैं अभी हांगकॉन्ग मार्केट। तो फिलहाल सबसे पहले आपको जाके दिखाता हूँ नागालैंड की हांगकॉन्ग मार्केट कैसी है। और नागालैंड के लोग सब कुछ खा लेते हैं, जो भी ज़मीन पर चलने वाली चीज़ें हैं वो सब खाते हैं। तो उस मार्केट में जितनी भी चीज़ें मिलती है वो सब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, बिच्छू, सांप, मगरमच्छ, चूहे, केंचुए, टिड्डे सब कुछ खा लेते हैं, तो वो दिखाता हूँ मैं कहाँ पर वो मार्केट है। फिलहाल मैं दीमापुर रेलवे स्टेशन पर हूँ, और यहीं पर मैंने एक रिटायर रूम लेके उसमें रुका हुआ हूँ। तो फिलहाल रेलवे स्टेशन क्रॉस करके पीछे इसके हांगकॉन्ग मार्केट है, तो वहीं हांगकॉन्ग मार्केट में चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर से होके, और फिर दिखाता हूँ आपको मार्केट कैसा है। तो ये तो कुछ दिल्ली के पालिका की तरह ही है, नॉर्मल मार्केट कपड़ों का। पूरे रोड पे ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ, तो पूरा मार्केट की रोड ब्लॉक हो रही है। और ये पीछे था हांगकॉन्ग मार्केट, और अभी आगे सब्जी वाला मार्केट है, वो दिखा रहा हूँ सब्जी। तो अभी आगे वाले मार्केट में जा रहा हूँ, पीछे हांगकॉन्ग मार्केट तो नॉर्मल ऐसे था, जैसे दिल्ली का पाली का बाज़ार है, उसमें नॉर्मल कपड़े, चश्मे, घड़ी, ऐसी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन जहाँ पर बाकी खाने का सामान मिलता है अभी, वो मार्केट चल रहे हैं। ऐसी टूटी फूटी रोड है, सब गड्ढों में पानी भरा पड़ा है, ज़्यादा सी बारिश, 4-5 दिन से यहाँ पर बारिश चल रही है, तो यहाँ पर गड्ढों में पानी भरा पड़ा है और जाम लग रहा है बहुत बुरा, कि कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, पानी पानी भरा हुआ है सब जगह। साइड में को चलते हैं, तो ये नागालैंड का बस स्टॉप आ गया, नागालैंड का दीमापुर का बस स्टॉप आ गया। यहाँ पता करते हैं इम्फाल के लिए बस मिलेगी कि सुमो मिलेगी, क्या मिलेगा, कल जा देंगे फिर इम्फाल। यह है नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो
फिलहाल अपने इम्फाल जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। उन्होंने बोला इम्फाल की बस वाली बस सर्विस और मतलब सुमो उमो सब बंद है, क्योंकि वहाँ पे वॉर हो रही है, कोई ट्राइबल वॉर चल रही है, तो इस वजह से वहाँ पे दंगे वंगे हो रहे हैं, तो वहाँ की सर्विस सारी बंद है। दीमापुर से कुछ भी नहीं जाता इम्फाल मणिपुर। तो फिलहाल ये है दीमापुर का बस स्टैंड, इसकी टाइमिंग मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जहाँ जाके बस चलती है सबका टिकट वगैरह का रेट यहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं, अभी मैं मार्केट में से वापस आ गया हूँ दीमापुर टाउन की तरफ। इधर ये रेलवे स्टेशन है, तो यह है नागालैंड टूरिस्ट लॉज, यहाँ पे जाके पता करते हैं रूम मिलेगा कि। तो यहाँ पे एक नागालैंड टूरिस्ट लॉज में आया हूँ मैं, जो रेलवे स्टेशन के बाहर ही है, इसमें पता करता हूँ रूम मिलेगा कि रुकने के लिए, क्योंकि अभी मैंने रेलवे स्टेशन पे डॉर्मेट्री ली हुई है। फिलहाल अगर यहाँ पे रूम मिलता है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा आज। ऐसा कुछ ही है नागालैंड टूरिस्ट लॉज। तो यहाँ पे टूरिस्ट लॉज में डबल डिलक्स रूम अवेलेबल है 1500 रुपये में, और सिंगल अवेलेबल नहीं है लेकिन वो 800 रुपये का है। तो फिलहाल मैं आके देखता हूँ यहाँ पे, अपना बैग वैग लेके आता हूँ, यहीं पे रुक जाता हूँ आज के लिए। अभी जाके घूमते आगे कहीं मार्केट नागालैंड की दीमापुर का, क्योंकि और तो कुछ यहाँ पे घूमने के लिए नहीं है। मेरा रूम का जुगाड़ तो हो गया टूरिस्ट लॉज में, अब आगे चलते हैं मार्केट की तरफ। मैंने रेलवे स्टेशन पर अपने लिए डॉर्मेट्री को रेलवे स्टेशन पर अपने लिए मैंने रिटायरिंग रूम बुक करवाया हुआ है, तो उसी में रुका हुआ हूँ मैं। तो अभी वापस चल के दिखा दूँ आपको रिटायरिंग रूम कैसा है। और ये रेलवे स्टेशन वाली मेन रोड है, बारिश आके काफ़ी पानी भर गया इस पर। अभी पैदल पैदल जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है रैपिडो वगैरह भी चलती है, अगर आपको रैपिडो वगैरह भी बुक करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ है नागालैंड का रेलवे स्टेशन, वेलकम टू दीमापुर रेलवे स्टेशन। तो मैं अभी वापस आ गया हूँ दीमापुर के रेलवे स्टेशन पे। भैंसा है, कुछ अंदर से एंट्री है दीमापुर के रेलवे स्टेशन की। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं दीमापुर आके फिर इम्फाल जाऊँगा, लेकिन यहाँ के पता चला है कि इम्फाल में ट्रैवल वॉर हो रही है और वहाँ के ट्रैवल बंद है, कोई भी नहीं जा सकता है। तो फिलहाल इम्फाल का प्लान तो कैंसिल हो गया, और दीमापुर में घूमने के लिए सिर्फ एक मार्केट था और बाकी आसपास के एरिया मैंने आपको दिखाई दिया है। तो फिलहाल अभी दीमापुर में ही हूँ मैं, रात की यहाँ से बस लेके वापस चल रहा हूँ गुवाहाटी, और फिर गुवाहाटी के बाद प्लान करेंगे कुछ और नॉर्थ ईस्ट में हमें कौन सी जगह जाना है। गुवाहाटी हमारा बेस बना रहेगा, बार बार हम गुवाहाटी जाएंगे, वहीं से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे जहाँ भी हमें जाना होगा। तो फिलहाल मैं आपको अंदर जाके अपना रिटायरिंग रूम दिखाता हूँ। ये कुछ है दीमापुर का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे अमूल का भाई दिमूल है, दिमूल से कुछ पीने का लेंगे। तो यहाँ पे अमूल भी है और उसका भाई दिमूल भी है, दिमूल अमूल। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रास्ता अपनी डॉर्मेट्री का, यहाँ पर डॉर्मेट्री भी है और रूम भी है। तो फिलहाल मैंने रूम बुक करवाया हुआ, रूम में चलते हैं। ऐसा ये इधर डॉर्मेट्री है और ये नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 1 डॉर्मेट्री रूम, सिंगल रूम, प्राइवेट रूम, सारे रूम यहीं पे है, ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप आओगे, तो ऊपर ही डॉर्मेट्री रूम वगैरह सब कुछ बना हुआ है। जो भी आपको बुक करवाना है अपना टिकट दिखा के आप यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। फिलहाल इरिश की चाबी, अंदर चलते हैं, अंदर से दिखा दो। कुछ ऐसा रूम है अंदर से, इसमें आपको 2 बेड मिलते हैं, क्योंकि मैंने डबल बेड वाला बुक करवाया था। और फिलहाल एक बेड वो है, एक बेड ये है, ये मैं बैठ के थोड़ा सा काम कर रहा था। अभी एक सोफ़ा मिलता है, एक टेबल मिलती है, एक बाथरूम मिलता है, गीज़र वगैरह प्रॉपर सब कुछ मिलता है इसमें। तो ये इसके लिए मैं पे करूँ 500 रुपये एक दिन के लिए। तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास रुकने के लिए दीमापुर में, अगर आप ट्रेन के थ्रू आते हैं। और अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो दीमापुर रेलवे स्टेशन के आसपास ही एक गुरुद्वारा भी है, आप गुरुद्वारे में भी रुक सकते हैं, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है। और अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड निकल के यहाँ पर टूरिस्ट लॉज भी है, आप टूरिस्ट लॉज में 1500 रुपये दे के डबल शेयरिंग वाला रूम ले सकते हैं। तो यहाँ पे रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया दीमापुर में घूमने के लिए जगह, और दीमापुर का मार्केट और मीट मार्केट, दीमापुर का ट्रैवल लॉज, रेलवे स्टेशन में कैसे आप रुक सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए कंटेंट अभी बहुत हो गया, बाकी इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अब मैं नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ की एक से एक अलग अलग टाइप की वीडियोस लेके आता रहता हूं अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।